नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 24P7 में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। आजमगढ़ जिले के अहिरौला ब्लॉक के बीबी पखनपुर के ग्रामीणों ने कल दिनांक 30 मार्च 2022 को कोटेदार के खिलाफ ब्लॉक पर धरना प्रदर्शन किया। वह जिला अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया था, जिसकी शिकायत पर ARO विकास सिंह ने आकर जाँच की और शिकायत को सही पाया। ARO विकास सिंह ने कहा कि कमियां मिली हैं, जिसकी रिपोर्ट हम उच्च अधिकारियों को देंगे। उन्होंने उचित कार्यवाही का आश्वासन दी। यहाँ आप लोग किस लिए कष्ट हुए? बस कोटेदार के खिलाफ में हम लोग क्या कोटेदार की क्या कमी है? कोटेदार की कमी जो जिसका लाल कार्ड है 35 किलोमीटर का, उस पर जो 14 किसी को 14 किलो देता है, किसी को 20 किलो देता है, खाता इतने आ रहा है। और जिसका सफेद कार्ड है 5 किलो आता है, किसी को 3 किलो के जैसे इसकी शिकायत आपने की थी आपके सप्लाई इंस्पेक्टर राजस्व विभाग से लेकर के सप्लाई इंस्पेक्टर आ गए, कुछ आश्वासन मिला भी? इसके पहले भी सप्लाई इंस्पेक्टर आए थे, DSO आए थे, कई बार रिपोर्ट हुआ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर जो जिला मंत्री होते हैं, विधान मंडल अध्यक्ष हैं, ये लोग SDM के यहाँ दबाव देते हैं, वो लोग मिली भगत करके वहाँ दबा देते हैं। कैसे पता आपको SDM? जब हमारा काम कुछ हो नहीं रहा कहीं से, यहाँ से लेकर के जिले तक, तो क्या समझे हैं, किसके दबाव में समझे? जिले पे भी आपने एप्लीकेशन बहुत दिया गया, यहाँ तक नहीं, हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन आया उसके बाद भी नहीं हो रहे, पहुँचने पाए। यहाँ से लोग मिलकर के दबा दिए, एक बार नहीं कई बार दिए हम लोग, लखनऊ से भी आया है। तो हम लोग कितना, हमारी गरीब जनता जो है परेशान है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वहाँ से भेज देते हैं, मैं जनता के लिए इतना दे रहा हूँ, यहाँ कोटेदार कहा जा रहा है। और हमारा दोनों गाँव राजस्व गाँव पखनपुर, अगर इतनी बड़ी दिक्कत तो तुम्हारे दोनों गाँव का राशन कार्ड अलग कर दिया जाए, दो कोटेदार हो जाए। सभी लोग नाराज हैं, हाँ सभी लोग नाराज हैं, सबसे पूछ लीजिए, मैं गलत कह रहा हूँ किसी किसी पर? माता जी आपकी क्या समस्या है, आपके भी कोटा समस्या है? यहाँ कैसा, क्या कोटे की समस्या थी, कोटे की तो क्या हुआ, आप जांच में कुछ मिला आपको? हाँ, जांच में शिकायतें हैं, उधर शिकायत है कि 35 की जगह 2 से 3 किलो का कम मिला है, चीनी नहीं मिला है। करीब कितने लोगों की शिकायतें होंगी इसी? लगभग हम 60 लोग बयान लिए हैं। तो क्या इस पर कुछ कार्रवाई इसकी रिपोर्ट बन के जिला पुलिस अधिकारी के यहाँ जाएगी, उनके थ्रू जाएगी जिलाधिकारी के यहाँ, वो अनुमोदन करेंगे, इसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई आरोपित करेंगे।